चुनौती दे रहे हैं कि अगर उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मुझे भी गिरफ्तार। कौन बोला? राजेश, कौन पूछ रहा है? चलो, तो वो भी आके निरीक्षण कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जो थोड़ी बहुत कमी है उसको बता भी रहे हैं, और हम लोग चूंकि समय है तो हम सुधार भी लेंगे। सर, मंच को लेकर आप लोगों ने अभी चर्चा करी, काफी भव्य मंच बनने वाला था 160x120 का, तो अभी आपने चर्चा करी मंच की भव्य। एक तो नहीं, मंच में करीब 150-200 लोग बैठेंगे, तो उतने बैठने के सुविधाजनक बैठने को हो, और साथ ही जो बैठे हैं वो दिखे भी, मंच जो नीचे रहेंगे उसको दिखे भी। LED वैसे सब जगह सभी जगह लगाया जा रहा है, तो LED की व्यवस्था है ही, तो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी जितने जगह रुक रहे हैं हम लोग बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा गाड़ी यहाँ न लगे और आपद आपी मत हो। सभी जितने होटल में या फिर यहाँ हाउसिंग बोर्ड के जो कॉलोनी है उसमें जो लोग रुकेंगे उसके लिए सब बसेस रखेंगे, ताकि ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ ना रहे, तो उसी से आएंगे जाएंगे। कुछ गाड़ियां हैं जो प्रोवाइड करेंगे हर होटल में, एक दो जो मान लो कोई पीछे हो रह गया या किसी को जाना है तो उसके लिए गाड़ी, तो वो गाड़ी संख्या कम होगी, बसों की संख्या अधिक होगी। चुनौती दे रहे हैं कि अगर उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मुझे भी गिरफ्तार। कौन बोला? राजेश, उसको कौन पूछ रहा है? चलो, साइड हो जाइए। तो रायपुर से हमने आपको दिखाई तस्वीरें जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। आपको बता दें कि जो अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का रायपुर में, उसी के संबंध में उन्होंने चर्चा की। PCC चीफ मोहन मरकाम भी इस दौरान मौजूद रहे, PCC पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। 24 फरवरी से कांग्रेस का ये अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से जारी है, और इसको लेकर निरीक्षण करने के लिए यहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, जिसमें साथ में PCC चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे।